नमस्कार, मैं डॉक्टर मृदुल चंद्र दास, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज मैं बच्चा को हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस क्या होता है? व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, मतलब लिवर में सूजन आ जाने को हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या कॉजेस होते हैं हेपेटाइटिस का? जो इन्फेक्टिव कॉजेस जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चे में हेपेटाइटिस का। इनमें से हेपेटाइटिस ए रिस्पॉन्सिबल है ऑलमोस्ट 60% केसेस में एंड हेपेटाइटिस ई रिस्पॉन्सिबल है ऑलमोस्ट 50% केसेस में। अदर देन दिस इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, देर आर सम नॉन इन्फेक्टिव कॉजेस ऑफ हेपेटाइटिस ऑल्सो, लाइक ऑटोइम्यून लिवर डिजीज, विल्सन डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज और मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन भी हेपेटाइटिस कर सकते हैं। कैसे ट्रांसमिट होता है, जो कैसे होता है हेपेटाइटिस बच्चे में? नॉर्मली जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, ये जो ट्रांसमिट होता है फीकोरल रूट में ट्रांसमिट होता है। फीकोरल रूट मतलब क्या है? इसमें मतलब है जो खाना पानी जो है ये जब कॉन्टामिनेट होता है, जैसे इन फिशिस से कॉन्टामिनेट हो सकता है और गंदा पानी से कॉन्टामिनेट होता है। जब कॉन्टामिनेट होने के बाद वो फूड और पानी जब हम कंज्यूम करते हैं उससे यूजुअली हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिट होता है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में हम बात करें, जो वो ट्रांसमिट होता है यूजुअली पैरेंटरल रूट से। क्या पैरेंटरल रूट होता है बच्चा में? मोस्ट कॉमनली जो चीज़ जो बी हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट होता है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन, जैसे इन्फेक्टेड मदर से लेके मदर से बच्चा में आता है जन्म का टाइम में, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलता है। इसके अलावा जो होता है कॉन्टामिनेटेड नीडल प्रिक इंजुरी से होता है। अगर कोई बच्चा को हेयर कट और शेविंग करता है जो कोई यूज्ड ब्लेड से अगर करता है तो वो जो कट लग जाता है उससे भी ये ट्रांसमिट होने का चांस रहता है। और ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से जो ट्रांसमिशन होता है उसमें भी ट्रांसमिट होता है। एक इम्पॉर्टेंट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन एडोलेसेंट एज ग्रुप में वो सेक्सुअल रूट होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए। सिम्टम्स क्या होता है? द सिम्टम्स जो हेपेटाइटिस का होता है मोस्टली नॉन स्पेसिफिक भी होता है इनिशियली, जैसे सडन ऑनसेट फीवर, पेन एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम लूज स्टूल्स होता है, मैलेज होता है जब, और डिक्रीज एपेटाइट भी हो जाता है। जब बच्चा का 3 से 5 दिन बाद सब जॉन्डिस आना शुरू होता है। जॉन्डिस कैसे हमें पता चलता है? ये पता चलता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइज और हाई कलर्ड यूरिन से हमें पता चलता है बच्चा को जॉन्डिस हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, ये जॉन्डिस यूजुअली बड़ा बच्चा में होता है। जब बच्चा का एज लेस देन 5 होता है तो उनमें जॉन्डिस नहीं भी आ सकता है। नॉर्मली बच्चा इम्प्रूव हो जाता है बट फ्यू वीक्स में, बट 1% बच्चा में जब एक्यूट लिवर फेल्यूर हो जाता है। सो लिवर फेल्यूर हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है जब बच्चा में इरिटेबिलिटी आ जाता है, जब अनकॉन्शस हो जाते हैं और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आ जाता है, तभी हमें पता चलता है बच्चा में एक्यूट लिवर फेल्यूर डेवलप हो गया। सो ट्रीटमेंट क्या करते हैं बच्चा? जब हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट जो होता है यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है विथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट फूड हमें देना पड़ता है। और जो चीज़ होता है यूजुअली हेपेटाइटिस ई और ई के अगेंस्ट में हमें स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं होता है। हमारा शरीर का जो नॉर्मल इम्यूनिटी जो होता है वही ये दोनों वायरस को ख़त्म कर देता है और हमें क्योर करता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी एंड सी के अगेंस्ट में हमें एंटीवायरल मेडिसिन मिलते हैं, वो हमें देना पड़ता है। अदर देन दिस जो ऑटोइम्यून लिवर डिजीज, विल्सन डिजीज वगैरह जो होता है उसके अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक मेडिसिन मिलते हैं, वो हमें देना पड़ता है। जब बच्चा को लिवर फेल्यूर हो जाता है उसमें हमें मेडिसिन काम नहीं करता है, उनमें हमें तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। वही एक ही इलाज होता है बच्चा को बचाने के लिए। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉर प्रिवेंशन के लिए जो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंटेन गुड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड हैंड हाइजीन। हमें फ्रीक्वेंट हैंड बच्चा को हैंड वॉश कराना चाहिए, नेल ट्रिम करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धो के साबुन से उसके बाद ही खाना खिलाना चाहिए। और जो वाटर है, पानी जो है वो पोर्टेबल वाटर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं और पानी को गर्म बॉयल करके उसको ठंडा करके भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं, सो दैट ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्टामिनेट हो रहा है तो भी वो मर जाता है और फिर ट्रांसमिट नहीं होता है। और जो हेल्दी हाइजीनिक फूड हमें यूज़ करना चाहिए, स्पेशली हमें जो यूज़ करना चाहिए होममेड फूड यूज़ करना चाहिए। हमें स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए,
जो फूड सोशल गैदरिंग कोई मैरिज पार्टी बर्थडे पार्टी में मिलता है, पार्टिकुलरली जो चीज़ अनकुक्ड होता है, जैसे सलाद होता है, गोलगप्पा का पानी होता है, ग्रीन हरा चटनी होता है, वो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये फूड कॉन्टामिनेट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ है जो वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ई और बी के अगेंस्ट में हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मिलते हैं। सो हर बच्चा को हमें वैक्सीनेट करना चाहिए ये दोनों बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए। नॉर्मली हेपेटाइटिस बी और सी जो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं वो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, वो क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक होने के बाद जब धीरे धीरे लीवर को डैमेज करते हो, फ्यूचर में जाके वो लीवर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ करते हैं और लीवर ट्यूमर भी कर देते हैं। अगर हम बच्चा को हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में वैक्सीन करें तो हम हेपेटाइटिस बी से भी रोक सकते हैं और फ्यूचर में जो ACC मतलब लीवर ट्यूमर डेवलप होता है उससे भी हम बच्चा को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसका बावजूद भी अगर सपोज कोई बच्चा को बीमारी ये हेपेटाइटिस डेवलप हो गया, इससे पेरेंट्स को कोई घबराने का ज़रूरत नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चा ठीक हो जाता है, बट कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चा को तुरंत डॉक्टर का पास ले जाना चाहिए, कंसल्ट कराना चाहिए, सो दैट डॉक्टर एडिक्वेटली डायग्नोस कर पाए किस कारण के लिए हेपेटाइटिस हुआ है और गाइड कर पाए बच्चा को कैसे ट्रीट करना है और क्या करना है। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हेपेटाइटिस क्या वजह से लीवर फेल्यूर भी डेवलप हो जाए तभी भी घबराना नहीं चाहिए, तुरंत उसको फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ पे फैसिलिटीज है लीवर ट्रांसप्लांट का, सो देन बच्चा को तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए और बच्चा को बचा सके। थैंक यू।